भिंड में नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री निशा रेड्डी का प्रमोशन सहित भिंड से आगर मालवा स्थानांतरण हो गया है। उन्हें शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में विदाई समारोह देते हुए नगर के गणमान्य नागरिकों ने उनके कार्यकाल को याद किया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुशे, CSP निशा रेड्डी, DSP पूनम शर्मा, DSP अरविंद शाह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंचासीन अधिकारियों ने भिंड में रहे कार्यकाल को याद किया और उनके कार्यकाल को बेहतरीन बताया। इस दौरान निशा रेड्डी, TI कोतवाली शिव सिंह यादव, उप निरीक्षक अतुल भदौरिया ने अपने विचार रखे। ये सच है कि जब भिंड मेरा यहाँ काम शुरू हुआ था, तब मैंने अभी भी एक प्रोग्राम में सर हम लोग साथ में थे, तो मैंने बताया था कि मैंने हर संभव प्रयास ये किया था कि मेरे को यहाँ नहीं जाना पड़े। और बहुत बार मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से KHQ में जाकर रिक्वेस्ट किया था, और जब भी जाती थी, मतलब भिंड आने से पहले की बात है कि भिंड आने से पहले ही मेरे 2-4 एप्लीकेशन पहुंच गए थे, और उसके बाद भी जब भी मुझे कभी ट्रेनिंग में या कभी मौका मिलता तो मैं एक एप्लीकेशन जरूर दे देती। फिर मेरे को अंत में वहाँ के एक अधिकारी ने बोला कि नहीं, आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन हो गई, अब आप एप्लीकेशन तो मत दो कम से कम। मेरे सब ट्रांसफर कैसे होगा, फिर तब वो हो जाएगा, जब भी होगा, पर आप काम करो। मैं सर काम तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन फिर भी सर ध्यान रखना। लेकिन ये अलग बात है कि एक मेरा प्रयास था, क्योंकि मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ थोड़ा सा अलग था शुरू शुरू में, तो इस वजह से मुझे चिंता होती रहती थी। लेकिन उसके बाद में ऐसा नहीं, जैसे मैंने ज्वाइन किया वैसे सर से आदरणीय सर से मेरी मुलाकात हुई, फिर सर एसडी साहब से मुलाकात हुई, और सर ने मुझे बताया कि यहाँ पे चैलेंजिंग तो है, बस काम करने की आवश्यकता है कि आपको बिल्कुल बहुत सजग और बहुत सतर्क रह करके काम करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने फिर काम स्टार्ट किया तो 2 थाने थे, लेकिन वो पूरे भिंड के ही बराबर थे, मतलब हैं क्या हैं,